आपका स्वागत है मेरे चैनल में, सभी को नमः शिवाय। तो हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए, मौसम अच्छा है, पानी ज़रा बंद है, तो हमने सोचा देख आते हैं कि कहाँ कहाँ पानी किस स्थिति में गिरा है, कहाँ पानी भरा है। ये हमारे प्लाट हैं जहाँ पे अभी मकान नहीं बने हैं कॉलोनी के, तो इसमें पानी भर गया है, वो भी देख रहे हैं। ये हमारी कॉलोनी का डॉगी था और ये हमारी कॉलोनी में। और देखिए बाहर निकलने के बाद हमने देखा कि रोड के साइड साइड में भी काफ़ी पानी भर गया है और हम लोग घूमने निकले हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि मक्का बहुत अच्छी बड़ी हो गई है जी, जिनके भी खेत हैं उसमें मक्का बहुत अच्छे से बढ़ रही है। ये पानी गिरने से वहाँ बहुत फ़ायदा होगा। तो हम ये सब देखते हुए और इधर उधर की बात करते हुए घूमते हुए जा रहे हैं। ये मेरी मम्मी हैं, ये मेरे साथ गई हैं और हम लोग घूम रहे हैं। देखिए चिड़िया कितनी सुंदर बैठी हुई हैं, पानी बंद हो गया है तो वो भी अपने खाने पीने की व्यवस्था करती हैं। ईश्वर सभी की व्यवस्था करता है, जो पहले इकट्ठा करके रखता है उनकी भी, और जिनकी कोई व्यवस्था नहीं है उनकी भी। ये चिड़िया भी इतनी खुश होकर बैठी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये देखिए जगह जगह पानी भरा हुआ है, ये देखिए। और ये खेत है, यहाँ पर धान लगाई है तो धान के लिए भी पानी बहुत अच्छा है, क्योंकि धान में पानी भर जाने से खेत में धान अच्छी पैदावार होगी। तो ये पानी बहुत ही अच्छा पानी गिर रहा है, सावन में अच्छा ही हो रहा है। यहाँ एमपी में तो इतनी कोई समस्या नहीं आ रही है, बाकी कहीं ज़्यादा पानी भी गिर रहा है तो वहाँ लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, बस एक समस्या यहाँ पर यही है कि जो प्लाट खाली है वहाँ पर एक्स्ट्रा पानी भरा हुआ है, तो वो पानी का कोई यूज़ नहीं है, बल्कि वहाँ तो मिसयूज़ ही होना है। अब अगर प्लाट पे मकान बन जाते हैं तो अच्छा रहता है उससे। अब ये देखिए, ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ बोर्ड जो दिखाई दे रहा है वो है मंदिर का बोर्ड। ये देखिए, ये दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर का बोर्ड है और ये वो रास्ता है जिससे हम जाते हैं हनुमान जी के दर्शन करने। हम दर्शन करने आज नहीं जा रहे हैं, हम घूमने के उद्देश्य से आए हैं। इधर शांत वातावरण रहता है, एकांत रहता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो यहाँ घूमने में बहुत ही आनंद आता है। और हम लोग साथ में जा रहे हैं तो कुछ बातें भी छिड़ जाती हैं, पुरानी कुछ नई। तो मेरे बचपन की बातें मैं मम्मी से पूछने लगी, फिर उन्होंने मुझे बताया और आज के समय से उसको कंपेयर किया, बहुत ज़्यादा अंतर था। पहले का समय बहुत अच्छा लगता था, आज समय तो बहुत अच्छा है लेकिन परिस्थितियाँ काफ़ी चेंज हो गई हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि बचपन जो है वो लौट कर तो नहीं आ सकता, लेकिन उसको हम दोबारा जी सकते हैं। ये देखिए, ये गाय का बच्चा है और वो अपने मिठी मिठी मेरे बच्चा, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या मोबाइल देखना है, देख लो ना, ये लो लो, देखो मोबाइल, देखो देखो, अब क्यों नहीं देख रहे। मीठी मीठू मीठू बेटा, ये हमारे प्यारे दो मिट्टू हैं और इन दोनों को ही मोबाइल और टैबलेट के पास बैठकर उन्हें काव को काटने में, उनके कवर को, इनको बहुत मज़ा आता है। और तो अब हम कुछ बना रहे हैं और ये देखिए हमारी तैयारी हो चुकी है। हमारे घर में पहली गिलकी लगी थी तो हमने गिलकी और प्याज के पकोड़े बनाने का डिसीजन लिया, तो ये हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसमें हमने लहसुन प्याज अदरक सभी चीज़ें डाल दी है। बहुत लोग लहसुन प्याज सावन में नहीं खाते लेकिन हम तो खाते हैं, तो हमने तो डाल दी है। तो ये सब मिलाकर हमने बैटर तैयार कर लिया है और अब बैटर तैयार करने के बाद कुछ देर हम इसको रखते भी हैं और हम रख चुके थे, और अच्छा इसको ऐसे मेश करेंगे, फेटेंगे। फेटने से ये उतने ही नरम आते हैं, और इनको हल्की आंच पे और फिर तेज करके फिर हल्की आंच पे तला जाता है तो ये क्रंची भी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पकौड़े। ये देखिए, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, अजवाइन का भी उपयोग किया है। बहुत लोग नहीं भी खाते हैं तो इसे हटा भी सकते हैं। ये देखिए, और हम तलना हमने चालू कर दिया है।
मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन जब कोई चीज़ पहली होती है तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो हमारे भजिए बनने लगे हैं, मैं उनको तल रही हूँ। तलते तलते मैं सोच रही थी कि पहले कितना अच्छा था जब हम छोटे थे, जब मम्मी तलती थी और हमको गरम गरम खिलाती थी और मज़े ही मज़े थे, कोई टेंशन नहीं थी। और जब हमारी इच्छा हो हम खेल सकते हैं, खा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन आज वो चीज़ मिस हो गई है। आज हम बहुत बिज़ी हो गए हैं और ना ही वो पहले वाली बात रही है। इसलिए मुझे अभी तलने में मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मुझे पुरानी बातें भी याद आ जाती हैं। जब कोई हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हम भजिए ही बनाते हैं क्योंकि उनको बहुत पसंद होते हैं। ओम की बुआ जी आती हैं तो उनको मंगोड़े बहुत पसंद है, तो उनके लिए हम भजिए नहीं बनाते। फिर हम मूँग की दाल गला कर पीस कर और सारे मसाले मिलाकर मंगोड़े बनाते हैं। ये देखिए हमारे भजिए बोलिए या पकोड़े बोलिए बनकर तैयार हो गए हैं और अब हम इन्हें खाने वाले हैं। उसके बाद हमें मंदिर जाने का निमंत्रण मिल जाता है कि सभी को भजन में आना है, तो हम सभी मिलकर भजन गाते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं आते हैं लेकिन मैं गाने का प्रयास कर लेती हूँ। तो हमने साथ में मिलकर बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए और लगभग हम लोगों ने 10-12 भजन गाए। तब तक तो बहुत ही आनंद आया। सभी लोगों ने भोलेनाथ के भजन गाए, कृष्ण भगवान के भी गाए और बहुत सुंदर ढोलक बजाती हैं हमारे साथ में जो महिला हैं, बहुत ही प्यारी बजाती हैं और गाती भी बहुत अच्छा है और उन्हें बहुत ज़्यादा आते हैं भजन। तो सब लोग उनको कहने लगे कि ये तो लैपटॉप है, इनके अंदर तो पूरे भजन ही भजन है, कभी भी इनको बोलो तो तब अपने लैपटॉप में से भजन निकाल लेती हैं। उसके बाद हमने आरती गाई और भोलेनाथ की आरती करने के बाद एक गाय आ गई हमारे वहाँ पे और उसको हमने फिर प्रसाद भी दिया। सब लोग कह रहे थे भोलेनाथ आएंगे सावन में, तो लेकिन वो गाय आ गई और गाय जा ही नहीं रही थी जब तक कि उसको प्रसाद नहीं दिया, और जैसे ही उसको केले का प्रसाद दे दिया वो चली गई। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ।